हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स जैसे कि एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस का ना होना। दूसरा रहता है हिर्सुटिज्म, इसका मतलब होता है कि फेस पर और पूरी बॉडी पर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाता है, ठीक है। तीसरा रहता है ओबेसिटी, ठीक है, मोटापन। और चौथा रहता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक मतलब पॉली मीन्स मैनी, और सिस्ट डेवलप हो जाते हैं ओवरीज के अंदर और वो इनलार्ज्ड हो जाती है, सो इनलार्ज्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और ये कॉमनेस्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज की, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ वुमेन। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी की कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों होता है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये इसलिए होता है क्योंकि एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, एंड्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा करती है हमारी ओवरीज, जिसके कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। PCOD मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है, मतलब बहुत सारे कॉजेस रहते हैं इसके। एक ये पाया गया है कि एक जीन रहता है CYP11A जीन, इसका डिसरेगुलेशन हो जाना, ठीक है। जब CYP11A जीन का डिसरेगुलेशन होता है तो क्या हो जाता है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और PCOD डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि कैसे कंफर्म करेंगे कि PCOS का ही पेशेंट है। तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ASRM, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए थे और ऐसा कहा था कि इन 3 क्राइटेरिया में से 2 का प्रेजेंट होना ज़रूरी है PCOS कंफर्म कहने के लिए, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया क्या थे? पहला था कि ओलिगो या फिर एन ओवुलेशन होना चाहिए, ओलिगोमेनोरिया होना चाहिए या फिर एन ओवुलेशन होना चाहिए। ओलिगोमेनोरिया मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो 35 डेज से ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद में आए, ठीक है। और सेकंड रहता है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होना। और तीसरा रहता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पाया जाना, ठीक है। इन तीनों में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि PCOS है। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। तो क्या पैथोलॉजी रह सकती है? ओवरीज जो है हमें इनलार्ज्ड मिलती है, ठीक है, ओवरीज इनलार्ज्ड मिलती है, ओवरीज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कितना, 10 cm³ से ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रोमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ओवरीज का। तीसरा रहता है कि जो कैप्सूल है ओवरीज की वो थिक हो जाती है, ठीक है, और पर्ली वाइट कलर की कैप्सूल दिखती है। और जो ओवरीज है उनमें हमें क्या मिलते हैं, सिस्ट मिलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सिस्ट मिलते हैं जो कि 12 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 12 होने चाहिए। और उन सिस्ट का जो वॉल्यूम है वो 2 से 9 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 2 से 9 mm इन डायमीटर। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स, कि क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर आएगा पेशेंट। तो पहला रहता है कि ओबेसिटी हो जाती है जो कि एब्डोमिनल रहती है, ठीक है, ओबेसिटी। सेकंड इज मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, या किसी प्रकार की डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो ओलिगोमेनोरिया मतलब 35 डेज से ज़्यादा इंटरवल्स के बाद मेंसेस आना, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। और तीसरा रहता है DOB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में ब्लीडिंग एबनॉर्मल होती है लेकिन कोई भी क्लिनिकल कॉज समझ में नहीं आता है। थर्ड क्लिनिकल फीचर इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। फोर्थ क्लिनिकल फीचर कि फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने देखने को मिलते हैं और हिर्सुटिज्म मतलब फेशियल हेयर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये एंड्रोजन के एक्सेस के होने की वजह से हो रहा है। फिफ्थ रहता है इसमें एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये क्या होता है? ये कंडीशन डेवलप हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण, जिसमें स्किन
में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डार्क ब्लैकिश अपीयरेंस दिखता है स्किन को और हार्ड हो जाती है, तो ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण होता है, ठीक है। सो स्किन चेंजेस, एक सिंड्रोम पूछा जाता है, हेयर एंड सिंड्रोम, ठीक है। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें, HAIRAN, तो सबसे पहले देखते हैं एच ए का, इसका मतलब होता है हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब एंड्रोजिन की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो हाइपर एंड्रोजिनिज्म। फिर आई आर का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और AN का होता है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। सबसे पहला रहता है सोनोग्राफी, ठीक है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसमें हमें ओवरीज क्या है, इनलार्ज मिलती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 10 cm³ से ज़्यादा होता है, जो सिस्ट है वो डेवलप होते हैं जो कि मोर देन 12 रहते हैं, ठीक है, और उनका डायमीटर कितना रहता है, 2 से 9 mm का। फिर सीरम वैल्यूज चेक करते हैं, LH और FSH का रेशियो देखते हैं, तो वो मोर देन 2:1 हो जाता है। सीरम स्ट्राडियोल और स्ट्रोन का रेशियो भी इंक्रीज मिलता है। तीसरी कंडीशन रहती है हाइपर एंड्रोजिनिज्म की, ठीक है, तो एंड्रोजिन की मात्रा भी बढ़ी हुई है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज मिलता है, मोर देन 150 ng/dL। लास्ट इन्वेस्टिगेशन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है इसमें, तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है मोर देन 25 µI/IU। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।